अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर देश भर में हो रहा विरोध प्रदर्शन उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। फिल्म पठान के खिलाफ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा जताई गई कड़ी आपत्ति के बाद देश भर में इस फिल्म में दिखाए जा रहे भारतीय सनातन विरोधी षड्यंत्र के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। फिल्म पठान में दिखाई गई अश्लीलता भगवा रंग को लेकर दतिया राजघराने के राजा राहुल देव सिंह ने भी मोर्चा खोलते हुए देश भर के राजा महाराजाओं से राष्ट्रीय सनातन संस्कृति को बचाने की अपील करते हुए मैदान में जाकर फिल्म पठान का विरोध करने का आह्वान किया। राजा राहुल देव सिंह ने फिल्म पठान के खिलाफ मेल हेरिटेज में आयोजित पत्रकार वार्ता में अपनी हुकार भरते हुए कहा कि फिल्म पठान भारतीय सनातन संस्कृति पर कड़ा प्रहार है। उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान को समझाइश दी कि वह भारतीय मुस्लिम महान विभूतियों पर फिल्म बनाए तो ज्यादा बेहतर होता। उन्होंने कहा कि अभिनेता शाहरुख खान को अलग अलग किरदारों से भारतीय हिंदू नाम की अभिनय करने पर ही पहचान मिली हुई है। राजा राहुल देव सिंह ने फिल्म सेंसर बोर्ड को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने देश में पठानों के इतिहास को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान और इस फिल्म के तरफदार भारतीय संस्कृति और उसके महत्व के घोर विरोधी हैं। राजा राहुल देव सिंह ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयानों की जमकर तारीफ की। उन्होंने भारतीय सनातन संस्कृति को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत नष्ट करने के प्रयास करने वालों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए देश भर के राजा महाराजाओं का आह्वान किया और सर्वहारा वर्ग को एकजुट होकर राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ मैदान में आकर विरोध करने की बात कही। बहरहाल राजनेताओं, संत महात्माओं और कथावाचकों के बाद फिल्म पठान के विरोध में राजघराने का मैदान में उतर कर आना देश के अन्य राजघरानों के लिए भी एक बवाल मच रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हमारे यशस्वी गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने पठान फिल्म को लेकर कई तथ्य आपके सामने रखे हैं, उसी तारतम्य में मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं कि पठान फिल्म आई, आपने पब्लिक के बीच में रखी, मेरे कुछ सवाल हैं। पठान फिल्म आपने बनाई, क्या योगदान रहा भारतीय संस्कृति को या भारतवर्ष को पठानों का, एक बात। दूसरी बात, आपने एक फिल्म बनाई थी फना, जिसमें आमिर खान थे, उसमें उन्होंने कमांडोज को मारा और वो स्वयं उसमें किरदार आतंकवादी की भूमिका में थे। तीसरा, एक खान साहब है हमारे फिल्म जगत के, वो हिंदू लड़की से शादी करते हैं, उनका जब बच्चा होता है उसका नाम रख देते हैं वो तैमूर, जिसने हमारे हिंदुओं को नरसंहार किया और ऐसा उनका इतिहास रहा है, वो आप सब लोग जानते हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये इस तरीके के वार आप लोगों के ओर से आते रहे, इस तरीके की फिल्में आप लोग बनाते रहे, ये मेरे सवाल है कि आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस देश को, हम लोगों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को। आप बनाते हैं माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, उसमें आप कहते हैं अरे यू आर नॉट अ टेररिस्ट, तो आप बोल क्यों रहे हैं, क्या आवश्यकता पड़ रही है कहने को? क्या विश्व जगत तक आप ये कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा ये सवाल है। मेरा एक और सवाल है कि आप फिल्में बनाते हैं तो आप फिल्में कलाम के ऊपर क्यों नहीं बनाते हैं, आप बादशाह खान के ऊपर क्यों नहीं बनाते हैं, जिसको गांधी कहा जाता था, जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए माना जाता था, ये क्या है? आप अशफाकुल्ला खान के ऊपर आप फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं, ये क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं आप? उस किसी भी ऐसे किरदार के ऊपर फिल्म नहीं बनाते हैं जिसने भारत को, भारत की संस्कृति के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया है। ऐसे कितने मुसलमान देशभक्त रहे हैं जिसने अपना आन बान शान और अपना जीवन भी बलिदान किया है भारत माता के लिए, आप उसके ऊपर फिल्म नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपका जो एजेंडा है वो क्लियर है। आप ये दिखाना चाहते हैं कि पठान भाई साहब हमारी हिंदू महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में डांस कर रहे हैं, तो मेरा सवाल है क्या मुसलमान जाति के लोगों को ये एक्सेप्ट है ये बात? पठानों का क्या इतिहास रहा है? पठानों का इतिहास क्या रहा है? पठानों का ये इतिहास रहा है, मैं चाहता हूं आने वाली आवाम से ये कहना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ी पढ़े, कि जब पार्टीशन के समय में आप पठानों की क्या भूमिका रही, क्या बर्बरता उन्होंने की। मेरा सबसे पहली, जो आप मुझे देख रहे हैं जिस अवस्था में, हमने भगवा डाला हुआ है, हम लोगों ने भगवा, हम कहाँ पहनते हैं, अपने सर पे पहनते हैं, अपने बाजू पे पहनते हैं, जब हम जाप करते हैं, ये हमारा पवित्र कलर है, इससे हमारा धर्म की आस्था जुड़ी हुई है। जब आप ये मूवी बना रहे थे तो मैं ये कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आपको ये इल्म नहीं होगा कि आप भगवा को कहाँ पहना रहे हैं, किस अवस्था में पहना रहे हैं, उन किन दृश्यों के साथ पहना रहे हैं।
अगर आपने ये घटना की है तो मैं ये मानता हूं कि आपने जानबूझ के किया है। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने ये जो बात उठाई है उसी तारतम्य में मैंने अपनी बात उठाई है, उन्होंने अपनी बात उठाई है मध्य प्रदेश से, लेकिन आज पूरे देश में क्रांति की तरह ये चीज छा चुकी है। और मैं ये मानता हूं कि उन लोगों की भी रूह कांप रही होगी जिस तरीके का उन्होंने कृत किया है। हम सनातनी लोग उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे और देश में ऐसी मूवियां मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि फ्लॉप होंगी, खत्म होंगी और आगामी भविष्य में ये चलने वाली नहीं है। क्योंकि शाहरुख खान जब राज बन के आए थे, उस कैरेक्टर को बन के आए थे, हिंदू बन के आए थे, राहुल बन के आए थे, तो देश ने आपको सब कुछ दिया है। माननीय शाहरुख जी, अब आप पठान बन के आए हो, पठानों ने क्या दिया इस देश को, अब आप भी देखिएगा कि आपको ये देश किस फॉर्म में वापस करते हैं चीजें। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इसका बहिष्कार करिए और पूर्णतः चोट करिए। ये चोट हमारी संस्कृति पे है, सनातन पे है, हमारी परंपराओं पे है। मैं आह्वान करता हूं सभी लोगों से, हिंदुओं से, कि सभी लोग एक एक वीडियो डाल के इसका विरोध करें। धन्यवाद कर रहा है। देश के राजाओं से क्या संदेश है आपका? देश के राजाओं से संदेश है, आप क्यों नहीं निकल रहे हैं? बाहर निकलना होगा हमें। अब ये हमारी भारत माता सनातन और संस्कृति पे चोट है। आज अगर आप नहीं निकले तो आने वाली पीढ़ियां आपको सवाल या निशान लगाएंगी। और उन्हीं से क्यों, मेरा तो समूचे हिंदू जगत से ये निवेदन है कि अगर इस तरीके का कृत हो रहा है तो आप सोए क्यों हैं? अरे आप पे, आपके परिवार पे, आपके सनातन पे, आपकी मातृभूमि पे, आपकी माताएं बहनों पे चोट हो रही है, कब जागोगे आपको आगे आना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी का कि आपने ये आवाज जब उठाई तो समूचे देश ने इस आवाज को अपनी आवाज बनाया।